अनुकूल भावना जो है ये भगवान की पूजा में विशेष वस्तु है, और अनुकूल भावना युक्त जो कर्म है वो स्वकर्म उसका, ये बात नहीं कि दूसरा कर्म करे वो, ये बात नहीं कि अपने पास जो वस्तु नहीं है कहीं से मांग करके लावे भगवान के लिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। जिसके पास जो है, जिसकी जैसी शक्ति है, जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसकी जैसी रुचि है, उसी के अनुसार वो श्रद्धा पूर्वक प्रीत पूर्वक भगवान को पूजे, अपने कर्म के द्वारा उसे भगवान स्वीकार करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। ये जो ठाठ बाठ चाहते हैं ना, ये तो विषयी लोग चाह करते हैं, भाई राजा कहीं बाहर भी जाए, गरीब के यहां भी तो बेचारा 100 चीज मांग करके लावे, इकट्ठी करे, उसके लिए भी राजा आए हैं तो प्रसन्न होंगे चीजों से, माने अनुकूल वस्तुओं के द्वारा, आडंबर के द्वारा जो जो किसी को प्रसन्न करने की चेष्टा है उसमें उन वस्तुओं का महत्व अधिक है। वो मानता है कि इन वस्तुओं के बिना मेरे प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, और जो प्रभु वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं वो प्रभु भगवान नहीं होते, वो प्रभु भगवान नहीं होते, वो तो जहां वस्तुएं, वो तो वस्तुओं के लोग ही हैं, वस्तुओं के दास हैं, वो भगवान नहीं। भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं, भावग्राही जनार्दन, भगवान प्रसन्न होते हैं भाव से, भगवान ग्रहण करते हैं भाव को। इसीलिए सबरी के बेरों की और सबरी की झोंपड़ी की और सबरी के उस गोबर से लिपे आंगन की इतनी महत्ता है कि भगवान ऋषियों के आश्रमों को छोड़ करके और भिलनी सबरी के झोंपड़े पर पूछते हुए पहुंचे और उसके दिए हुए फलों को उन्होंने बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ स्वीकार किया। तो उसमें बस ये प्रेम था। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूजो, इसमें तीन बातें आती हैं। कर्म स्वरूपतः शुभ हो, कर्म में केवल भगवत प्रीति की कामना हो, भावना हो, और भगवत प्रीति में ही श्रद्धा हो, तो उस कर्म के द्वारा भगवान की पूजा होती। वो कर्म चाहे निर्दोष कर्म होना चाहिए, सदोष कर्म वही होता है कि जिसमें कोई विषय वासना होती है, नहीं तो वो सदोष कर्म नहीं है, निर्दोष कर्म नहीं है। तो निर्दोष कर्म हो, उसमें सोना खाना बैठना उठना कमाना ये सब आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि दिन भर भगवान की पूजा चलती है। पूजा के दो प्रकार हैं, एक खास समय पर खास सामग्रियों से होने वाली पूजा, और एक रात दिन हर समय हर जगह है जो कुछ सामग्री उसके पास उस समय है उससे होने वाली पूजा, ये सार्वभौम पूजा है। और इस पूजा के लिए न फूलों की जरूरत है, न माला की आवश्यकता है, न नैवेद्य की जरूरत है, न किसी बाहरी और वस्तु की, न आसन की, न आरती की, कुछ नहीं। इसमें जरूरत है केवल मन के भाव की। हम सो रहे हैं और भगवान समझ रहे हैं कि पूजा कर रहा है। अगर भगवान की प्रीति के लिए कोई सोता है शास्त्रानुकूल, तो सोना भगवान की पूजा, भोजन करता है भोजन करना भगवान की पूजा, किसी से बातचीत करता है बातचीत करना भगवान की पूजा,
क्योंकि उसका तो प्रत्येक कर्म ही भगवान के लिए होता है ना। मत कर्म कृत, हमारे कर्म में और भक्त के कर्म में यही अंतर है। भक्त का कर्म होता है भगवान का कर्म, हमारा कर्म होता है आसक्ति और कामना का कर्म। हमारे कर्म में मालिक हैं, प्रेरक हैं आसक्ति और कामना, और भक्त के कर्म में प्रेरक और मालिक हैं भगवान की प्रीति। यही अंतर है। कर्म का स्वरूप चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, लौकिक भी पारमार्थिक बन जाता है और पारमार्थिक दिखने वाला कर्म भी लौकिक हो जाता है। एक महात्मा की बात आई कि वो जब कोई दूसरे आते थे तो जरा पूजा पाठ विशेष ढंग से करते थे, वो देर तक बैठते थे। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी पूजा ग्रहण नहीं करते, इससे नाराज हैं। बोले क्यों? कहा तुम लोग दिखावे के लिए करते हो, हड्डे थोड़ी करते हो। तो जिस पूजा में जरा भी दिखाने का भाव आ गया, अब चाहे वो अपने मन का समाधान यूं कर ले कि मैं लोग संग्रह करता हूं, लोगों को अच्छा आदर्श दिखाने के लिए करता हूं, तो ये तो ठीक है, लोक संग्रह तो उत्तम है, पर स्वयं उसमें निष्ठा है कि नहीं, अकेले में करते हो कि नहीं। जब भगवान के लिए करना है तो लोक की कोई भी उसमें परवाह नहीं है, और लोक के लिए करना है तो वो फिर भगवान के लिए करना इस प्रकार का दिखाने पर भी, उसका पारमार्थिक रूप होने पर भी वो लौकिक हो जाता है, लौकिक हो जाता है। माला फेरना भी लौकिक हो जाता है और झाड़ू देना भी परमार्थिक हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि माला न फेरे, माला तो भाव भाव अभाव कुभाव किसी प्रकार से भगवान का नाम जपे उसके विरोध में ये अर्थ नहीं है। अभिप्राय तो कहने का यह है कि भाव को शुद्ध करे, भगवान की पूजा का भगवान की प्रीति का भाव होने से छोटा कर्म भी महान पुण्य बन जाता है, और लौकिक भाव होने से बहुत बड़ा कर्म भी बहुत छोटे उद्देश्य की पूर्ति करने वाला बन जाता है। भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की, लाखों नाम जप किए, करोड़ों नाम जप किए और बोले महाराज हमारा ब्याह अच्छा हो जाए, बस उस सारा नाम जप ब्याह के खाते में खट गया, तो ये उसका एक प्रकार तिरस्कार हुआ ना। तो जो वस्तु जैसी है, इसीलिए हमारे शास्त्रकारों में एक बार ऐसा प्रश्न आया, भगवान नाम कौमुदी में है कि भाई जब नाम से, भगवान नाम से जब नामाभास से ही सारे पाप कट जाते हैं, और ये सब जानी समझी हुई बात है, तो ऋषियों ने, स्मृतिकारों ने स्मृतियों में दूसरे दूसरे प्राश्चित क्यों बताए? अमुक पाप के नाश के लिए अमुक प्राश्चित करो, बता देते कि नाम ले लो और पाप कट जाएंगे, कि नाम का विधान क्यों नहीं किया? तो उसकी मीमांसा करते हैं कि नाम ऐसी छोटी चीज नहीं है कि जिसको पाप काटने में लगाया जाए। मामूली से कर्म के द्वारा जिसका नाश हो सकता है, उस वस्तु के नाश में नाम को लगाया जाए। एक सिपाही कहीं आकर के
और चोरों को हटा दे, वहां राजा आकर चोरों के लिए पहरा दे, ये कैसी बात? तो दृष्टांत दिया वहां पर कि भाई एक कोई बड़े रईस थे, उन्होंने सिंह को पाल रखा था, तो सिंह हमेशा उनके साथ रहता। तो एक दिन कोई जुलूस निकल रहा था, उसमें वो रईस शामिल थे और उनके साथ वो सिंह भी था। तो जंगल था नहीं, शहर था, तो लगे कुत्ते भौंकने। कुत्ते जब भौंकने लगे तो किसी ने उनसे कहा कि इस सिंह आपके साथ है, कुत्ते इतने भौंक रहे हैं, आप सिंह को छोड़िए ना इनके ऊपर, अभी सब कुत्ते भाग जाएंगे। तो उस रईस ने कहा कि क्या हम सिंह का अपमान करें? इन कुत्तों के लिए सिंह को छोड़ें? तो लाठी दिखाई कि भागे। अभी कोई बड़ा भारी प्रबल मस्त हाथी आवे गजराज और उस पर हमारा सिंह दहाड़ करे, तब तो एक सिंह की शोभा है। और सिंह क्या कुत्तों को हटाने के लिए है? इसी प्रकार से क्या भगवान नाम पापनाश के लिए है? पापनाश मामूली वस्तु है, मामूली चीज, जो प्रायश्चितों से कर्म से कर्म कट जाते हैं, उसमें भगवान नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मतलब कहने का क्या है कि भगवान नाम का प्रयोग किया, भजन किया भारी, और उसको लगा दिया छोटे से काम में, लगा दिया उसको संसार की मामूली सी सिद्धि में, तो वो परम पारमार्थिक होने पर भी लौकिक हो गया। और छोटा सा लौकिक काम भी अगर हमारे मन में यह है कि ये भगवान की पूजा के लिए हो रहा है, ये भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो ये छोटा सा काम भी हमारे लिए करता है, बड़े काम की तो बात नहीं है, पर ये तो बिना हमारे दूसरा काम करते ही नहीं, इसने तो अपना काम छोड़ ही दिया, सारे काम हमारे बना लिया। तो प्रत्येक कर्म उसका भगवान स्वीकार करते हैं, जो अपने लिए करता है उसका प्रत्येक कर्म स्वीकार नहीं होता, पर जो भगवान के लिए ही करता है उसका प्रत्येक कर्म स्वीकार। जैसे किसी दुकान के किसी फर्म के मैनेजर को जब तक अधिकार प्राप्त है और जब तक वो केवल मालिक का काम करता है, तो कोई ऐसा काम कर ले जिसमें घाटा दुकान में हो जाए, तो वो घाटा भी तो मालिक की सहता है ना, क्योंकि मालिक की दुकान का वो काम कर रहा है, अपना काम करता अलग तो मालिक उलाना भी देते, तो घाटा भी नहीं सहते और कहते अलग हो जाओ यहाँ से। पर जो केवल मालिक की दुकान का ही काम करता है, जो अपना काम करता ही नहीं, मत कर्म कृत, जो मालिक का काम करता है उससे कहीं घाटा हो जाए तो स्वीकार मालिक करते हैं। विभीषण के रथ से चोट लगकर ब्राह्मण मर गया, तो ब्राह्मणों ने विभीषण को पकड़ लिया, लगे मारने, ब्राह्मण नहीं मरा। खबर लगी राम को तो राम वहां पर आए, ब्राह्मणों ने राम की पूजा की, चक्रवर्ती महाराज तो कहा, महाराज कुशल पूछने पर कहा कि सब कुशल तो है, तो एक राक्षस आया था, उसने इस प्रकार से और धक्का दे करके हमारे पंडित जी को मार दिया, उसको हमने बहुत मारा, वो तो मरते ही नहीं, बड़ा दुष्ट है, आप उसे मार दीजिए। तो भगवान ने कहा भाई देखो आप लोग एक काम करो। बोले क्या काम करें महाराज? बोले उसको जो कुछ करना चाहते हो आप हमको कर। अब तो सारे ब्राह्मण बेचारे डर गए, सहमे, बोले महाराज ये क्या कही आपने? बोले वो हमारा सेवक है, उसके अपराध के हम जिम्मेवार हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, तो उसकी भूल तो हमारी भूल है ना, तो इसलिए उस भूल का दंड हमको दी।
बेचारे सब ब्राह्मण, ये पुराण कथा आती है, सब ब्राह्मण बेचारे डर गए और फिर कौन दंड देता, फिर कुछ प्राचित बताया वो कर दिया गया। तो मतलब कहने का ये है कि फिर उसके प्रत्येक कर्म की स्वीकृति भगवान को होती है, जो भगवान के लिए कर्म करता है उससे कहीं भूल भी हो जाती है। श्रीमद् भागवत में आया है 11वें स्कंद में कि जो दिन रात भगवान का भजन करता है उससे कभी अगर भूल हो जाती है तो उसे भगवान भर देते हैं उस भूल को। पद्म पुराण में यहाँ तक आया है कि जो हमेशा भगवान का नाम ले, भजन करे, अंतकाल में अगर उसकी स्मृति न रहे तो भगवान ने कहा कि फिर उसकी स्मृति मैं कर लेता हूँ। वो स्मृति तो इसीलिए करता है ना कि मैं उसके मन में रहूं, तो उसकी स्मृति मैं कर लेता हूं। फिर कितना अच्छा काम है, हम कहीं भूल भी जाए तो भगवान नहीं भूले। तो ये तभी होता है कि जब हमारा कर्म तो भगवान के लिए होता है तो भगवान सब कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें ये काम करना है, कर्म तो किए बिना रहा नहीं जाता, करेंगे ही, खाने पीने का काम भी होगा, कमाने का काम भी होगा, बातचीत भी होगी, संसार में रहना है। तो संसार में रह करके भगवान से मिले रहें, माने मंदिर में रहकर भी आदमी रहता है संसार में, और घर में रहकर भी आदमी रहता है भगवान के मंदिर में। तो मंदिर में रहें भगवान के निरंतर, और भगवान को हमारे मंदिर में रखें। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंत मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। भगवान ने कहा कि जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझ में देखता है वो कभी मुझसे अलग नहीं होता और मैं कभी उससे अलग नहीं होता। इसका मतलब क्या है, यही है कि बस हम अपने मन में भगवान को बसा लें और हम स्वयं भगवान में बस जाएं, तब तो जगत में रह करके भी जो कुछ हम करेंगे भगवान की सेवा होगी, और मंदिर में बैठे हुए भी अगर हम जगत में रहेंगे तो मंदिर की पूजा करते हुए भी, यद्यपि पूजा करना बड़ा अच्छा, उसका विरोध नहीं, परंतु वहां अगर कामना वासनाओं को हमने रखा, जगत में हमारा मन विचरण करता रहा तो हम जगत में ही रहेंगे, हमारा वो परमार्थ भी लौकिक कार्य बन जाएगा। तो विशुद्ध कार्य करें, भगवान की प्रीति के लिए काम करें, और ये मन में समझ लें पूरा, यहाँ की कोई वस्तु न तो स्थाई है और न कोई वस्तु पूर्ण सुख देने वाली है, बल्कि दुखदायिनी है। तो यहाँ की वस्तुओं के स्थितियों के चक्कर में रहना ये कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। ये जो इतने अंश में अच्छा है परोपकार कि भाई अपने व्यक्ति के सुख की इच्छा को छोड़ करके हम सबके सुख की इच्छा करते हैं, इतना इसमें अच्छा है, परंतु परोपकार में भी यदि लौकिक वस्तुओं को ही महत्व हो तो वो बड़ी ऊंची चीज नहीं है, क्योंकि वो वस्तुएं तो छूटने वाली हैं और अपूर्ण हैं और दुख रूप हैं। सबसे बड़ी सेवा तो है मनुष्य को भगवान में लगा देना, सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा दान है किसी मनुष्य को उसकी वृत्ति को जगत से हटा करके भगवान में लगा देना, जिससे उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सके, बस वो सर्वोत्तम सेवा है। तो वो सेवा कब होगी, जब हम वैसे बनेंगे। हम वैसे नहीं बनेंगे। कल मैंने एक किताब में एक पढ़ी बात, गुजरात के बाद से एक ट्यूटर थे, कहीं मास्टर थे, पढ़ाते थे,
बच्चों को। तो एक दिन मास्टर ने कहा कि भाई हम बच्चों नहीं पढ़ाएंगे। तो बच्चों की माँ ने कहा महाराज क्यों नहीं पढ़ाएंगे, सब बच्चे तो आपके पास रहते हैं, आपकी आज्ञा मानते हैं और आपको पूरी छूट है, आप खूब पढ़ाइए। तो इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि बच्चों में व्यसन तो छूटता नहीं है, व्यसन छूटना चाहिए, फिर हाँ जरूर छूटना चाहिए, छुड़वाइए आप व्यसनों को। तो कहा भाई हम तो छुड़वाने की बात कहते ही हैं, पर तुम लोग जो नहीं मानते। बोले हम लोग महाराज कहाँ कहते हैं कि आप मत छुड़वाइए। तो बोले हम कहते हैं कि सिगरेट नहीं पीने चाहिए और तुम्हारे स्वामी जो हैं इन बच्चों के पिता, वो इनके सामने सिगरेट पीते हैं, तो हमारी बात बच्चे कैसे मानेंगे। बच्चे तो ये समझेंगे कि पिताजी पीते हैं ना, चीज अच्छी होगी, इसलिए बोले हम तुम्हारे यहाँ काम नहीं करते। तो समझ में आ गई बात उसके, उसने अपने पति से कहा उस दिन से तो बच्चों के सामने और घर में सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह की चीज है, आचरण में जो चीज आती है ना वो ठीक होती है, नहीं तो उसका रूप बिगड़ जाता है। तो अपने बात की हो रही थी कर्म की, कर्म साधन बन सकता है यदि भगवान के लिए हो, शुद्ध भाव से हो, स्वरूपतः कर्म अच्छा हो और कर्म में श्रद्धा हो। और कर्म वही है कि जो कर्म कहने मात्र को न हो, जो करने के लिए हो, जो वास्तव में किया जाए। तो संसार की कोई वस्तु साथ जाएगी नहीं, कुछ रहेगा नहीं, इन वस्तुओं के ममत्व में फंसकर और इनमें आसक्त होकर जीवन को खोना ये बहुत बड़ा प्रमाद है। इस प्रमाद का कहीं भी पश्चाताप करने से निराकरण नहीं होगा, क्योंकि मानव देह की प्राप्ति बार बार नहीं होती, मुश्किल से होती है। और मानव देह जिस काम के लिए हमको मिला उससे उल्टा हम काम करें, काल तो मानता नहीं, तो क्षण क्षण में जा ही रहा है। तो इसी प्रकार समय का बीत जब भगवत प्राप्ति न हो चाहे, कम से कम उसके मार्ग पर तो हम आ जाएं, और मार्ग पर आए तो अगले जन्म में हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन उससे अगर विपरीत मार्ग में रहे, अगर केवल भोगासक्ति में पढ़कर और भोग विषयों के अर्जन उपार्जन और भोग में ही लगे रहे, तब तो दुर्गति होगी। मानव जन्म की बहुत बड़ी असफलता है। किसी के पास धन नहीं है, जन नहीं है, इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, पर यदि भगवान का भजन है तो वो धनी है। तुलसी सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जाएंगे, जाके राम नाम धन होए। असली पूंजी, भगवान नाम की असली पूंजी, इस पूंजी को इकट्ठा करे, इस पूंजी का संग्रह करे और इस पूंजी में ममत्व करे, यही मेरी चीज, इसकी महत्ता समझे। जब इसकी महत्ता समझ में आएगी तब फिर भगवान का स्मरण, भगवान का नाम होते हुए ही सारे हमारे कर्म भगवान की पूजा के लिए होंगे, फिर दिन भर पूजा होगी, अधूरी पूजा नहीं, पूरी पूजा। पूरी पूजा का अर्थ क्या है, रात दिन 2400 घंटे भगवान की पूजा ही पूजा हो, भगवान की भक्तिमय पूजामय हमारा जीवन हो जाए। माने जीवन में एक क्षण भी जो भगवान की पूजा के बिना बीतता है, उस क्षण में यदि मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, वो क्षण हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए सावधानी की आवश्यकता भगवान ने बताई, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। भाई स्मरण में तो सर्वकाल रहे, क्षण भर के लिए भी भगवान के स्मरण का वियोग न हो। जगत के और काम तो समय समय पर हो, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर लड़ाई करना,
समय पर समझा करना, ये सब तो समय समय के काम। पर स्मरण में कोई समय नहीं, सब समय स्मरण हो। सर्वेषु कालेषु, सर्व काल में भगवान का स्मरण, मैंने क्षण भर के लिए भी स्मरण का वियोग न हो। स्मरण का वियोग जो है ये बहुत बड़ा घाटा है। इस घाटे को जो सहन नहीं कर सकते वे सच्चे साधक हैं, ये सच्चे भक्त हैं। मैंने भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में जो अनन्यता है इसकी बड़ी महिमा है। अनन्यता का अर्थ दो तरह का होता है, दूसरे का चिंतन न हो और समय का व्यवधान न पड़े। उदासीन रह गए ये भी नहीं, माने हमने कोई चिंतन नहीं किया ये नहीं, चिंतन बना रहे, निरंतर चिंतन बना रहे। तो निरंतर चिंतन बनने का फल ये स्वरूप क्या है, उसका फल क्या है कि भगवान निरंतर उसके पास रहते हैं। जो मन में बंध जाता है ना, मन में चिंतन का अर्थ है भगवान को मन में बांध लेना। हाथ उड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय ते जब जाहोगे सबल बदोंगो तो है, हस्त मुच्छित या तो सी बलात् कृष्ण किमद्भुतम, रियासी पौरुषम गणयामि थे। तुम्हारी मर्दानगी तो तब समझू मैं जब तुम मेरे हृदय से निकल जाओ। हृदय में बंधते हैं भगवान चिंतन से, ध्यान से, छुड़ाए न छूटे, यही दशा। इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम योग है। इस प्रकार से भगवान हृदय में बंध जाए कि निकाले न निकले, समझाना पड़े कि भाई थोड़ी देर के लिए दूसरी बात कर लिया करो, ये जरूरी चीज है, बड़ी जरूरी चीज क्या करें। वो जाता जो नहीं, राधिका से पीछे लोगों ने समझाया कि भूल जाओ ना, चला गया वो मथुरा, छलिया है, कपटी है, उसके प्रेम का क्या विश्वास, क्यों उसे याद करके मर रही हो। तो राधा ने कहा कि भाई याद करना कहाँ चाहती हूँ, भुलाना चाहती हूँ, भूल जाऊं तो सब झंझट मिट जाए, पर भुलाया जा जो नहीं सकता, उसकी याद जो मन से निकलती नहीं, अब मैं क्या करूं। मैं थोड़ी मन से याद करती हूँ कि उसका जाप किया करूं बैठ करके, कौन चाहता है उसका जाप, मैं नहीं चाहती। पर वो मन से निकलता जो नहीं, ये जो है ये चिंतन का असली स्वरूप है। इतना भगवान घर करके बैठ जाए मन में कि निकाले न निकले, धक्का देने पर न जान। अभी तो वो आते हैं और हम किवाड़ बंद कर लेते हैं। चिंतन जो होता कभी कभी उनका, मानो वो आते हैं, हम जो भूल जाते हैं निकाल के वहां ढक लेते हैं, भाई अब क्या ना आना, तो तुम बहुत देर तक बैठे, हमारा काम हर्ज हो गया, आओगे ठीक नहीं। आते हैं भगवान, दिन में न मालूम कई बार आते हैं, हम धक्का देकर निकाल देते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं। और पीछे ये दशा होगी कि हमारे यूं धक्का देते देते वो आना बंद कर देंगे, बुलाने पर भी नहीं आएंगे। ये दशा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये दशा हो कि वो आ करके अपना घर बनाने इतना जबरदस्त कि धक्का देने पर भी निकले नहीं। वो कहेंगे तुम किसको निकालते, हम तो रहेंगे, हमारा घर, तो घर कैसे बने, जा ही न चाहिए कब हम कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर सो रावर निज गेह। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है कर्म वही करो जिससे प्रेमास्पद प्रसन्न हो।
और इसका कैसेट संख्या है 227।